नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंचल है और आज आपको मैं बहुत ही ज़्यादा खास बात बताने जा रही हूँ। दोस्तों, किसानों के धरने को 1 महीना होने को जा रहा है और किसान अब भी प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। किसानों के लिए कुछ लोग साथ हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ। हम आपको बता दें कि किसानों के इस प्रोटेस्ट को लेकर कई सेलिब्रिटीज के बीच भी कई तरीके की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। वेल, आप सबको तो पता ही होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ पार्टियाँ भी किसानों के साथ और बीजेपी के फार्म के लॉ के अगेंस्ट हैं। जी हाँ, कांग्रेस फिर से मुद्दों में आ गई है। इस बार प्रियंका गांधी को किसानों के हक में खड़े होने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, लेकिन आधे घंटे बाद उन्हें रिहाई दे दी गई। उनके साथ साथ कांग्रेस के और भी कई नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में है और खूब जमकर उनका साथ दे रही है और फार्म लॉ को हटाने की बात हो रही है। इस बार प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें, इसलिए हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। वेल, अब किसानों के पक्ष में कौन कौन खड़ा होता है ये भी देखा जाएगा और कब केंद्र सरकार बिल में चेंजेस लाकर किसानों का उनका हक दे देगी। वैसे हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के अलावा भी राहुल गांधी भी एक नई राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों के इस प्रोटेस्ट के लिए राष्ट्रपति से आज मुलाकात की है और ना जाने उन्होंने, आप देख ही सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और उनको उनका हक दिलाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ रही है। और भी बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल